हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये वीकली रीडिंग्स होंगी हर एक राशि के अनुसार, ठीक है। आप अपनी राशि के अनुसार अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप राशि किस बेस पर देख सकते हैं? आप मून साइन, चंद्र राशि या नाम के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता, मून साइन नहीं पता, नाम के अनुसार आपको नहीं पता, तो आप अपनी जो साइन है वो लग्न राशि से भी देख सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जैसे ही आपकी प्रेफरेंस हो। ध्यान रखना, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पे ध्यान ना दें, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पर दें। और एक और चीज़ ध्यान रखें, पर्सनल रीडिंग्स बंद हो चुकी हैं, इसलिए प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच ना करें। नंबर्स ऑलरेडी रिमूव कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, तो अब पर्सनल रीडिंग्स ऑप्शंस में नहीं है। हम में भी इन फ्यूचर ऑन रखें। जिन लोगों को रीडिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट है वो मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे मैं लाइव सेशन करती हूँ जो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होता है, और वो होता है करीबन 1 बजे दिन के, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को हीलिंग पर्पस, बिजनेस पर्पस, फाइनेंस, लव या मेंटल हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड कोई ब्रेसलेट बनवाना है और आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना चाहिए या किससे कंसल्ट करना चाहिए, तो अमित सर का नंबर मैंने ठीक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपके सामने वो रिफ्लेक्ट होगा बार बार। आप उन्हें व्हाट्सअप करके अपने लिए ब्रेसलेट अपनी मनपसंद का बनवा सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखने जाएंगे एक एक राशि अनुसार आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप इन्जॉय करेंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आएगी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। सो, अभी जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं ये लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए है। देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा ओवरऑल। पहले देखेंगे बिजनेस और जॉब, फाइनेंस, फिर लव लाइफ। यूनिवर्स बिजनेस जॉब फाइनेंस के परस्पेक्टिव से लियो राशि वालों के लिए 12 मार्च से 18 मार्च तक कैसा रहेगा ओवरऑल उनका जर्नी। 10th हाउस, ओके। लव लाइफ के अकॉर्डिंग बताएं लियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12th टू 18th मार्च तक का सफर। 12th हाउस बहुत कम निकलता है किसी के लिए भी 12th हाउस। यूनिवर्स मुझे बताएं हेल्थ, फैमिली और मैरिज के प्रस्पेक्टिव से लियो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये वीक 12th टू 18th मार्च। 7th हाउस, ओके। अब मैं देख लेती हूँ लियो राशि वालों आप लोगों के लिए नंबर कौन सा सजेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स इस वीक का नंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं ये वीक लियो राशि वालों के लिए कौन सा नंबर सजेस्ट करेंगे आप 12th टू 18th मार्च उनकी ओवरऑल जर्नी के अकॉर्डिंग। 48। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो राशि वालों के लिए बिजनेस, जॉब और फाइनेंसेस के हिसाब से ये वीक कैसा रहेगा 12th टू 18th मार्च। द मैजिशियन, एम्परर, पेज ऑफ कप्स, 8 of Cups, 6 of Cups, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बिजनेस परस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं या जॉब परस्पेक्टिव से अगर देखूं तो ये वीक लियो राशि वालों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। काफ़ी अच्छा हो सकता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस वीक आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से अगर संभाल पाए तो ज़्यादा अच्छा, बिकॉज चांसेस है ज़्यादा ओवर खर्चा कर रहेंगे करेंगे या तो आप कहीं गलत जगह निवेश करेंगे। इस हफ्ते आपके जीवन में आप थोड़े से कैलकुलेटिव रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेट करें, अपने पैसों को सही तरीके से संभालने की समझदारी दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर नंबर 48 हमारे सामने जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे तो आप गोल ओरिएंटेड रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स देखे जाएंगे अपने पैसों को हैंडल करने की या जॉब या बिजनेस को हैंडल करने का हुनर देखा जाएगा। आप पूरे एम्पायर को यानी कि अपने काम को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। इस वीक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने काम में तो बहुत अच्छे जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फिजूल खर्चे या दान धर्म कर रहे हैं या कुछ अपने लोगों पे इतना खर्चा कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सेविंग्स पे थोड़ा सा फोकस करें, अपने अकाउंट्स को प्रॉपर रेडी रखें, अपने अकाउंट्स पे पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इतना अर्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। आप अच्छे लोगों पे जो है इन्वेस्ट करें, अगर आपके अकाउंटेंट्स या आपके जो आसपास के स्टाफ है उस पे अच्छे स्टाफ को, वैसे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, चांसेस
चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि कुछ लोग अपने स्टाफ को बदली करेंगे या एम्प्लॉयज़ को बदली करेंगे या कुछ बेटर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, राइट लोगों पे खर्च करेंगे या पूरा फोकस करेंगे। लाइक प्रैक्टिकल बहुत रहोगे इस वीक, अगर फाइनेंसेस जॉब या बिजनेस में देखो वीक बहुत अच्छा है, वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। बस थोड़ा सा आप अपने खर्चों पर ध्यान दें, इमोशंस पर ध्यान दें, मतलब ध्यान दें कि बिना वजह आप ओवर कहीं खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लोगों को भी करने का मौका दें, ठीक है। निवेश सोच समझ कर करें। बाकी वीक अगर जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको इस वीक, बिजनेस में भी ग्रोथ देखी जा सकती है। एंड ओवरऑल प्रस्पेक्टिव मुझे ऐसा दिख रहा है 10th हाउस की एनर्जी अथॉरिटी एनर्जी को दिखाता है, तो यस इस हफ्ते आप काफ़ी ज़्यादा बॉसी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी में रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा दिमाग से चलते हुए स्ट्रेटेजाइज करते हुए नजर आएंगे। बट जैसे कि मैंने कहा, कुछ चेंज भी दिखाई दे रहा है, कुछ नए लोगों को आप अपनी टीम में शामिल करेंगे, नए लोगों को हायर करेंगे, ऐसी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। अब बात करूँगी हेल्थ और फैमिली परस्पेक्टिव से लियो राशि वालों के लिए। हेल्थ और फैमिली परस्पेक्टिव से कैसी रहेगी लियो राशि वालों के लिए ये वीक 12 to 18 मार्च। क्वीन ऑफ वॉन्स, 10 of Cups। बाय द वे अगर लियो राशि वालों आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीक बहुत अच्छा है, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि इस वीक हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्टअप वगैरह शुरू करने का सोचे, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। मतलब कोई जॉब छोड़कर आप कोई बिजनेस के बारे में सोचेंगे, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं हेल्थ फैमिली के प्रस्पेक्टिव से देखूँ तो फैमिली और हेल्थ के हिसाब से, तो आप पहले मैं फैमिली की बात करूँ तो फैमिली में आपका काफ़ी दबदबा देखा जाएगा, फैमिली आपकी काफ़ी सुनते हुए, आपकी बहुत ज़्यादा समझते हुए, आपको रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आएंगे, फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी और आप अपने फैमिली के बहुत ज़्यादा बाप दादा और साईं यानी कि गॉड फादर बनते हुए नज़र आएंगे। इस वीक आपका आपकी फैमिली पे बहुत अच्छी पकड़ देखी जाएगी, फैमिली वो करेगी जो आप कहेंगे और कहीं ना कहीं आपसे बहुत खुश नज़र आएंगे। सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है, किसी तरीके की पार्टी गेट टुगेदर भी दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छा माहौल भी फैमिली और घर परिवार में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फैमिली परस्पेक्टिव से तो बहुत अच्छा वीक है। बच्चों की अगर आप चिंता कर रहे हैं, बच्चों को लेकर थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, तो ये वीक आपके बच्चों के हिसाब से भी, मतलब अचानक से आपको अच्छे फील होंगे, लाइक लगेगा बच्चों में सुधार है या उनकी हेल्थ में सुधार है या पढ़ाई में थोड़े से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लाइक किसी तरीके की खुशी महसूस हो सकती है। हेल्थ परस्पेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो हेल्थ परस्पेक्टिव से आप थोड़े से फूडी हो सकते हैं इस वीक। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आप वर्कआउट करें, लेकिन थोड़ा सा आप अचानक से बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा सकते हैं या उल्टी सीधी चीज़ें, लाइक ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग या ओवर चीज़ें कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं हेल्थ पे थोड़े से इफ़ेक्ट आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकती है या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए हेल्थ को लेकर थोड़ा सा फोकस करें, अपना हेल्थ पे ध्यान देने की ट्राई करें, ठीक है। बाकी ओवरऑल मैं अगर देखूँ तो हेल्थ और फैमिली परस्पेक्टिव से लियो राशि वालों सही समय है, अच्छा समय है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अब मैं लव लाइफ देख लेती हूँ लियो राशि वालों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ कैसी रहेगी लियो राशि वालों की 12th to 18th मार्च। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, यहां पर 10 of Pentacles, 8 of Swords और एस ऑफ कप्स है। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सबसे पहले मैं मैरिड लोगों की बात करूं, जो लोग साथ रहते हैं, मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपके अंदर इमैच्योरिटी देखी जा सकती है, आपकी कोई बात या कोई एक्टिविटी से कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि इश्यूज़ आ सकते हैं, हालांकि कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं हैं। आप अपने घर परिवार में खुद को बहुत स्टक फील करेंगे, मैरिड हैं अगर अपने पार्टनर के साथ खुद को स्टक फील करेंगे और आपको लगेगा कि आप ही अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो आपको उतना सपोर्ट या लव या उतना ज़्यादा वो सब चीज़ें डिलीवर नहीं कर रहे जितना आप उनको दे रहे हो। लाइक आपको लगेगा कि वन साइडेड आप ज़्यादा चीज़ों को ठीक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा एक स्टक फीलिंग आपको हो सकती है अपने पार्टनर के साथ। आप फील कर सकते हैं कि आप स्टक हैं, पार्टनर उतने रोमांटिक या उतने गिविंग नहीं रहे जितने पहले होते थे, या उतने पहले वाली फ्रेशनेस नहीं रही आपके रिलेशनशिप में, ऐसा फील करेंगे। आप काफ़ी पार्टनर के लिए गिविंग रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पार्टनर उतना नहीं दे रहे हैं आपको। थोड़े से उतार चढ़ाव मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं देख सकती हूँ और थोड़ा सा आपकी तरफ से मैच्योरिटी, जो कि मैंने कहा आप किसी बात पे उन पे नाराज़ हो सकते हैं, पार्टनर से किसी बात से थोड़े से खफा होकर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। बात करूं उन लोगों की जो नो कॉन्टैक्ट में हैं लियो राशि वालों, आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी आप जो है अपने लाइफ और अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने गोल्स पे फोकस करेंगे रख रख के। यस आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे, आप उन्हें याद करेंगे और कहीं ना कहीं आपको लगेगा
कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यस आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, गिविंग रहेंगे, अंदर आपके बहुत ज़्यादा लव एनर्जी और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, होप्स दिखाई दे रही है, ऐसा दिख रहा है कि आप जो सोच रहे कि यार कुछ इसमें अच्छा ही होगा, कुछ बेहतर ही होगा, लेकिन रख रख के आप कहीं ना कहीं खुद को स्टक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप एक रिलेशनशिप या एक सिचुएशन में ऐसे स्टक हैं कि उस एनर्जी से आप अब तक बाहर नहीं निकले हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है लियो राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है आने वाले समय में, जिसके वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करेंगे। एक पल आपको लगेगा कि आप अपने गोल्स पे ध्यान दें, अगले पल आप खुद को स्टक फील करेंगे, एक पल आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बट ओवरऑल मैं वीक कहूँ तो अच्छा रहेगा। ये वीक आप अपने आप से बहुत प्यार करेंगे, अपने आप पे बहुत फोकस करेंगे। ये वीक आप अपने आप को पूरा टाइम देंगे, अपने आप को समझने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बहुत होंगे। आप अपने आप के लिए इमोशनली फील भी करेंगे, अपने अपने लाइक सेल्फ लव या सेल्फ चीज़ों को लाइक खुद को खुश करने वाली चीज़ें ज़्यादा करते हुए नज़र आएंगे। इस तरीके की एनर्जी है और अपने एक्स को भूलने का प्रयास करेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है यही सोचने का ज़्यादा कोशिश रहेगी। सो ये वीक मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा जा सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। सो देखो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये वीक आपके फाइनेंसिस के लिए ज़्यादा है, फाइनेंसिस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, गोल्स पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। लव रिलेशनशिप के लिए ये वीक मुझे लियो राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है ओके ओके है लव रिलेशनशिप में, बट यस फैमिली परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है ये वीक, ओके। सिंगल्स के लिए अगर मैं देखूँ, यूनिवर्स सिंगल्स के लिए बताएं लियो राशि में जितने सिंगल्स हैं 12th मार्च टू 18 मार्च कैसे रहेंगे। फोर ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ कप, सिंगल्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जितने भी लियो राशि वाले हैं, लोगों को एक अच्छा, अगर मैरिज का प्रपोजल आप ढूंढ रहे हो तो यस चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको कोई अच्छा बेहतरीन मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कोई ऐसा लाइक एक पहल या एक स्टेप आप पॉसिबिलिटी है कि कोई ऑफर ऐसा आपको मिल सकता है। पर कुछ सिंगल्स के लिए कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ सिंगल्स जो हैं जो बहुत समय से क्लोज्ड ऑफ थे और रिश्ता नहीं देखना चाह रहे थे, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाह रहे थे, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप अपनी किसी अकाउंट या किसी साइट पे अपना जो है अकाउंट क्रिएट करेंगे और पहल करेंगे, पहली बार पहल करेंगे कि आप किसी रिश्ते में आ जाएं, किसी से मिलने या बात करने की कोशिश करेंगे या किसी एक अच्छे ऑफर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुछ अच्छा चेंज देखा जा सकता है सिंगल्स के लिए। पर उन लोगों का क्या जो लोग किसी को मनीमन पसंद करते हैं, जो क्रश है, क्रश की एनर्जी में अगर मैं देखूं तो क्रश को लेकर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि वो उतना सेल्फ इन्वॉल्व नहीं है आप में जितना आप उनमें इन्वॉल्व हो। आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपको उस तरीके से नहीं देख रहे या उस नज़रिए से नहीं देख रहे, इसलिए आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको लगेगा कि वहाँ आप अपनी एनर्जी ज़्यादा नहीं दे सकते। हालांकि क्रश मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिन्हें आप पसंद करते हैं, चांसेस है कि उनके अगल बगल में ही कोई दूसरा व्यक्ति है, जो कोई दोस्त है उनका या आपका कोई दोस्त है, जो अचानक से आपको अपनी मन की बात बता सकता है, जिसको लेकर आप थोड़े से हैरान हो सकते हैं और आपको लग सकता है कि शिट ये भी मुझे पसंद करते हैं। इस तरीके की एनर्जी आपके लिए हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों के लिए सजेशन दूँ और टिप्स दूँ तो मैं ये कहूँगी कि ये वीक जो है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े चेंज का वीक है, फाइनेंसेस का वीक है। फाइनेंशियल लेवल पे ये वीक बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको बस अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना है, रूटीन में रहना है, टाइम पे अपने काम पे ध्यान देना है। लेजी मत रहो, अपने रूटीन को, डिसिप्लिन को मत ख़राब करो, जितना हो सके स्ट्रिक रहो, अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर स्ट्रिक रहो, हल्के में मत लो अपने काम को, आपका काम ही आपको बहुत ज़्यादा नाम देगा, ठीक है। लेकिन बात करूँ लव रिलेशनशिप के लिए तो समय अब आपसे कहता है कि ये एक परिवर्तन का समय है, इस चेंज को स्वीकार करो। ये चेंज आपके जीवन में कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल क्रिएट करने जा रहा है, बस उस पर बिलीव करने का प्रयास करो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए लियो राशि वालों रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई कंजूसी ना करें इस चीज़ में। और यस आप उसके अलावा वीकली रीडिंग्स को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।